Today we'll start with the new lesson, that is the third chapter, Yeah. psychology, that is personality. Yes. So it has been further subdivided into five parts, that is introduction, definition, factors shaping personality, perspectives of studying personality, and then measures of personality. Okay. Today we'll focus on the first three factors because they are, you know, pretty small. We can do it in like an hour or so. Okay. So we'll focus on the introduction. Now, tell me, what do you think personality is? Personality, personal, जैसे हम अपना personality बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं. Personality खुद का development, I think. Okay. और आपकी understanding क्या है? Personality क्या? कि एक आदमी हम लोग बोलते हैं कि ये ऐसा पर्सनालिटी है. सो व्हाट डूज दैट वर्ड इंडिकेट्स पर्सनालिटी. जैसे हम बोलते हैं उसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है. आई थिंक उसका जो पैसे वगैरह से भी उसका अच्छा रहता है. ओके ऐसे कुछ लगे. ओके अच्छा, तो मैं अभी दो एग्जांपल्स पढ़ूंगी, ध्यान से सुनो. ओके ध्यान से सुनो, उसके बाद आपको क्या लगता है वो आपके ओपिनियंस मुझे बताओ. ओके सो देयर इज दिस पर्सन रोहन, ही इज अ गुड लुकिंग बॉय, ही इज अ जीनियस बट एक्सट्रीमली एरोगेंट, ही ऑलवेज शाउट्स एट हिज फ्रेंड्स, ही ऑलवेज टॉक्स वेरी रूडली टू हिज पेरेंट्स. दिस इज वन एग्जाम्पल. एंड द अनदर एग्जाम्पल इज रुचि is a girl with ordinary looks. She is poor in her studies, but always gets along nicely with her friends. She always talks in a polite manner to everyone. क्या समझ में आया इस एग्जांपल से? हाँ, I think सूजी जैसे मुझे समझा पूरा समझा. जो ये क्या नाम था उसका, रोहन. रोहन, रोहन का पर्सनालिटी दिखने रोहन में का पर्सनालिटी कैसा था? वो गुड लुकिंग था, स्टडीज में बहुत ब्राइट था. हाँ, और लेकिन अपने पेरेंट्स से वो बहुत रूडली बात करता था. या फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से रूडली बात करता था. और सूजी नाम है ना मैम? रुचि. रुचि, ओके. जो रुचि है वो पढ़ाई में बहुत मतलब पुअर है, बट वो अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से बहुत अच्छे से ये करती है बात. Okay, now see, I'll read the next paragraph. Generally, people have wrong belief that an individual with attractive looks has a good personality. But in psychology, the term personality has much broader meaning. So listen, इधर क्या बताया गया है कि हम लोगों का जो personality का एक perception है कि ये good looking है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, वेरी नाइस क्लोथ्स, मतलब इसकी पर्सनालिटी अच्छी है. बट नो, साइकोलॉजी हैज समथिंग मोर एंड बियॉन्ड दिस टू एक्सप्लेन. ओके सो नाउ व्हाट इज दैट एक्सप्लेनेशन, विल लुक फर्दर. फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनालिटी इज नॉट रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स एक्सटर्नल फिजिकल अपीयरेंस, बट to an individual's characteristics, patterns of thinking, feeling and behaving throughout life. तो okay. साइकोलॉजी किस पे फोकस करता है? अभी उन लोगों ने बोला, हाँ उन लोगों ने बोला कि साइकोलॉजी लुक्स पे नहीं फोकस करता है, राइट? तो साइकोलॉजी किस पे फोकस करता है? थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर. यस, तो वो एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर्स पे नहीं फोकस करता है, लाइक लुक्स, कैसा दिख रहा है उस पे नहीं फोकस करता, इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस करता है. ओके कि थॉट्स कैसे है, फीलिंग्स कैसे है, ये थ्रू आउट लाइफ, थोड़े थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं कि आज मेरा बर्थडे है, मैं अच्छा बिहेव करूंगा. नो, इट्स थ्रू आउट लाइफ. ओके देन, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन इतना ही था, इंट्रोडक्शन हमने खत्म कर दिया है. नाउ वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी. अभी ये पर्सनालिटी वर्ड कैसे आया, ये वर्ड की पर्सनालिटी? अभी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी ऐसे वर्ड्स का ब्रेकडाउन सुना था ना, टैगलाइन वर्ड का था, मेंटल टेस्ट. तो ऐसे ब्रेकडाउन सुना था ना, तो ये पर्सनालिटी,
सॉरी, ये पर्सनालिटी वर्ड कहाँ से आया, किसने डिराइव किया, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, ये सब हम डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी में पढ़ेंगे. सो द वर्ड पर्सनालिटी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना. पर्सोना विच मीन्स PERSONA. लिटी मत लगाना, पर्सनालिटी का LITY ने मत लगाना. विच मीन्स मास्क. मास्क मतलब क्या, जो मुंह पे ऐसे लगाते हैं ना, जोकर्स लगाते हैं ऐसे, कोई ऐसे डेविल का मास्क होता है, पता है ना. अभी तो नॉर्मल लोग भी लगा रहे हैं. हाँ, तो वो वाला, वो हाफ लगाते हैं, वो वाला मास्क नहीं. ऐसे पूरे फेस पे ऐसे, तुमने कभी देखा है बंगाली डांस में वगैरह, ऐसा पूरा मास्क लगाते हैं फेस पे. अगर कोई यू नो इफ देयर इज सम एंग्री कैरेक्टर, तो वो एंग्री फेस का मास्क लगाते हैं. दे शुडंट एक्सप्रेस, वो फेस पे जो मास्क होता है ना, वो एक्सप्रेस कर देता है कि हाँ ये एंग्री पर्सन आ रहा है. अभी ये ऐसे स्टेज पे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो उसके लिए वो ऐसे लोग मास्क लगाते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, और ड्यूरिंग ओल्डन डेज ग्रीक स्टेज एक्टर्स यूज्ड टू वेयर सुटेबल मास्क्स एज पर द नीड ऑफ द कैरेक्टर्स दे यूज्ड टू एनएक्ट. मतलब क्या करते थे कि अगर ऐसे 10 लोग थे, तो अभी इसको किसी एंग्री पर्सन का एक्ट दिया है, इसको किसी सैड पर्सन का एक्ट दिया है, ये बहुत हैप्पी है, ये जो भी है ना, तो वो लोग क्या करते थे. अभी हम लोग देखते हैं टीवी शो में वगैरह कि वो लोग खुद एक्सप्रेस करते हैं ना, अगर कोई गुस्से वाला आदमी हो तो एक्सप्रेस करता है अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, वो दिखाता है कि वो बहुत चिल्ला रहा है, ये कर रहा है. लेकिन पहले कैसा था, वो लोग ना मास्क लगाते थे चेहरे पे, तो आदमी को एक्सप्रेस नहीं करना होता था. वो मास्क लगाने के बाद वहां पे ना आईब्रोज वगैरह ऐसे डार्क रेड किए गए हैं, हाँ आईज ऐसे रेड किए गए, मतलब पता चल रहा है कि हाँ ये कोई एंग्री आ रहा है अभी आदमी. ओके, तो ये खुद की पर्सनैलिटी को छुपा के एक आगे की पर्सनैलिटी को दिखाते थे, राइट. हाँ, तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड पर्सनैलिटी दस गॉट इंटरप्रिटेड as the projected behavior. Many psychologists have defined personality as per their own perspectives. सब साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने हिसाब से पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है. ओके, सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ पर्सनैलिटी आर एज फॉलोज. अभी यहाँ पे दो जन के डेफिनेशन दिए है, नॉर्मन मम. I don't know how to pronounce it because M-U-N-N. M-U-N-N. M-U है. M-U-N-N. मो कैसे इसको बोलेंगे? हाँ, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे भी नहीं पता. मोम नन कर देंगे. नहीं, मून मून कुछ होना चाहिए था. बट फॉरगेट अबाउट इट, वी विल जस्ट टेक नॉर्मन. अकॉर्डिंग टू नॉर्मन, दो जन के दिए है, नॉर्मन और गॉर्डन. गॉर्डन, यस, गॉर्डन इजी है एक्चुअली याद रहने के लिए. सो नॉर्मन क्या बोलते हैं, के तौर पे याद कर लेंगे. नॉर्मन ने क्या बोला है, देखो, पर्सनालिटी इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फिजिकल स्ट्रक्चर, नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड्स. अभी नॉर्मन ने पर्सनालिटी का क्या डिफिनेशन दिया है, तो वो बोल रहा है कि पर्सनालिटी इज अ यूनिक थिंग. ऑफ कोर्स इट इज अ यूनिक थिंग. जो आपकी पर्सनालिटी है वो मेरी नहीं हो सकती. तो ये कौन से फैक्टर्स में यू नो डिस्टिंग्विश करती है. सो बेसिकली डिस्टिंग्विशेस इन सेवरल फैक्टर्स सच एज फिजिकल स्ट्रक्चर. आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो मेरा नहीं हो सकता, आपका डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है. देन इट्स नीड्स, आपके जो नीड्स है मेरे से अलग है. या इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट मेरे इंटरेस्ट से अलग है. योर एबिलिटीज, आप कितना पढ़ पा रही हो, मेरे एबिलिटीज डिफरेंट है, राइट. और आपके एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड इज योर थिंकिंग एबिलिटीज. ओके, तो ये सब डिफर कर रहा है. और जब ये पर्सनालिटी को मतलब यू नो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम लेते हैं, तब हम एक पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नॉर्मन कह रहा है. ओके, सो अभी गॉर्डन क्या बोलता है, देखो. सो गॉर्डन इज लाइक पर्सनालिटी. गॉर्डन ना, G-O-N ना, G-O-R-D-O-N. गॉर्डन, गॉर्डन,
ओके, गॉर्डन अल्पोर्ट. ओके गॉर्डन अल्पोर्ट. गॉर्डन अल्पोर्ट सेज पर्सनालिटी इज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ओके विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइंस इज यूनिक एडजस्टमेंट्स टू द एनवायरनमेंट. अभी गॉर्डन क्या बोलता है कि पर्सनालिटी ये ना बहुत डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक मतलब यू नो डिफरेंट है. ओके, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन एक इंडिविजुअल के, मतलब एक इंडिविजुअल को उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से उसको अलग ट्रीट किया जाता है. ओके, और वो उसके जो यू नो सो एवरी पर्सन हैज यूनिक एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी. ओके, तो आपकी पर्सनालिटी ऐसे है तो आप एक एक एनवायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए, कि यूनिक एनवायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए यू कैन डू दैट, बट प्रोबेबली आई कांट डू दैट. ओके, सो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी, ऐसा इसने बोला है. मूविंग फर्दर, अभी डेफिनेशन भी खत्म हो गया. आपको इस दो टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है, इंट्रोडक्शन में, डेफिनेशन में? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन लोग ने दोनों ने क्या किया थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए मुझे ओके. ये. यस यस वेट, सो अभी मैंने आपको बोला पर्सनालिटी लैटिन वर्ड है एक, और ये लैटिन वर्ड पर्सोना से आया है विच मीन्स मास्क. ओके, पर्सनालिटी लैटिन वर्ड नहीं है. हाँ बोला कि वो मास्क वगैरह पहनते थे फेस पे. ओके, तो उसके बाद यहाँ पे दो डेफिनेशन दिए है, दो डेफिनेशन दो लोगों के है. एक नॉर्मन है, MUNN गॉर्डन ने. हाँ, लेकिन वेट, MUNN उसका सरनेम है. पहला नॉर्मन बोलू, नॉर्मन, NORMAN, नॉर्मन, और उसका सरनेम MUNN है. ओके ओके, नॉर्मन और गॉर्डन अल्पोर है. तो नॉर्मन ने क्या बोला कि पर्सनालिटी सब लोगों की यूनिक है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है. ओके, यूनिक मतलब डिफरेंट, एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है. तो वो कॉम्बिनेशन क्या है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो कॉम्बिनेशन डिफर करता है, और वो कॉम्बिनेशन क्या है तो वो बताता है. वो फिजिकल स्ट्रक्चर में डिफर करते हैं, वो अपने नीड्स में डिफर करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट्स में डिफर करते हैं, एबिलिटीज में डिफर करते हैं, और एप्टीट्यूड में डिफर करते हैं. इस पांच चीजों में वो डिफर करते हैं. तो उसने डेफिनेशन क्या दिया है, ठीक से सुनो, ये आपको एग्जाम में लिखना है अगर डेफिनेशन पूछा गया. मैं रिपीट करती हूँ. अकॉर्डिंग टू नॉर्मन, पर्सनैलिटी इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फिजिकल स्ट्रक्चर, नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स. ओके, अभी दो यहाँ पे दिए है, नॉर्मन का भी दिया है और गॉर्डन अल्पोर का भी दिया है. आपको एग्जाम में सिर्फ एक का लिखना है. ओके, तो मुझे लगता है नॉर्मन का इजी है याद में रखने के लिए भी. अभी मैं गॉर्डन अल्पोर का भी समझाती हूँ आपको. सो गॉर्डन क्या बोलता है कि पर्सनालिटी इज द, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखो मैं आपको बोलती हूँ, एक मिनट. अभी नीचे क्वेश्चन सेक्शन में जाती हूँ. सो ट्रू और फॉल्स हो गया. हाँ, तो यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट में ना, कॉन्सेप्ट मतलब पता है ना, कॉन्सेप्ट लिखने के लिए आपको पता बताते हैं 25 to 30 words. तो उसमें क्वेश्चन आया है पर्सनालिटी. पर्सनालिटी सिर्फ एक वर्ड, तो वहां पे आप क्या लिखोगे? पर्सनालिटी का आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, उससे पहले आप इंट्रोडक्शन थोड़ा लिखोगे कि साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी इज नॉट ओनली कंसिडरिंग द एक्सटर्नल फैक्टर्स बट ऑल्सो द इंटरनल फैक्टर्स लाइक वॉट, फीलिंग थिंकिंग बिहेवियर थ्रू आउट लाइफ. ओके, और उसके बाद आप बताओगे कि पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज पर्सोना विच मीन्स मास्क. ड्यूरिंग ओल्डन डेज
Greek stage actors used to wear the suitable mask as per the needs of the character they used to enact. The meaning of the word personalities thus goes to interpret as the projected behavior. Some of the definitions of personality are as follows. According to Norman, personality is a unique combination of individuals' physical structures, needs, interests, abilities, and aptitudes. Yes. बस हो गया. ओके ओके तो ये आपको वहां पे लिखना है पर्सनालिटी. अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि डिफाइन पर्सनालिटी या राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, तो ओके वहां पे वो आपको क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको क्या समझ में आया पर्सनालिटी क्या है. ओके ओके अभी फैक्ट ये समझ में आया आपको? हाँ समझा समझा. तो अभी हाँ गॉर्डमैन का गॉर्डन अल्पोर्ट का. सो गॉर्डन क्या बोलते हैं कि पर्सनालिटी इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइंस द यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट. तो गॉर्डन ये बोलता है कि हर एक जो पर्सनालिटी है ना वो डायनामिक है, डिफरेंट है, अलग है दूसरे दूसरे इंसान से. ओके और उसकी जो साइकोफिजिकल सिस्टम है ना, साइकोफिजिकल सिस्टम मतलब मैं ऐसा भी, अभी आपने देखा कि रोहन ऐसा बिहेव करता था और रुचि ऐसा बिहेव करती थी. ओके दोनों डिफरेंटली बिहेव करते थे. तो आपको रुचि के साइकोफिजिकल मतलब क्या, वो थिंक कैसा करती है और बिहेव कैसा करती है, राइट? हमने जैसे पहले पैराग्राफ में ही पर्सनालिटी के पढ़ा कि जो थिंक कैसा करता है और बिहेव कैसा करता है. तो वहां पे रुचि के साइकोफिजिकल सिस्टम से आपको पता चला कि रुचि की पर्सनालिटी कैसी है और रुचि की पर्सनालिटी रोहन के पर्सनालिटी से डिफरेंट कैसी है. ओके ये बताया गया है यहाँ पे. अभी फैक्टर्स शेपिंग पर्सनालिटी, अभी यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हैं जो पर्सनालिटी को शेप करते हैं. अभी फैक्टर्स मतलब क्या, ये देखो ये आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है. तो फैक्टर शेपिंग पर्सनालिटी मतलब मैं अच्छी आदमी हूँ लेकिन किसकी वजह से मैं अच्छी हूँ, मेरे पेरेंट्स के वजह से, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप के वजह से, या मेरे फैमिली में पहले से ही, मेरे फैमिली में पहले से ही सब अच्छे अच्छे है इसीलिए मैंने सब उन लोगों से देखा है कि मेरा ग्रैंड पेरेंट ऐसा बिहेव करता है, मेरी मॉम ऐसी बिहेव करती है, इसलिए इवन आई हैव टू बिहेव द सेम वे एंड दैट्स बिकॉज आई एम दिस वे. ओके या मतलब फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से, स्कूल की वजह से, पियर ग्रुप की वजह से, या व्हाट इज द फैक्टर दैट मेक्स मी अ गुड इंडिविजुअल. लाइकवाइज इवन there is you know what is the factor that makes me a bad individual, there can be both faces, right? Yeah, every coin has two sides. वैसे there can be a good person, that can be a bad person. So ये मैं जो हूँ, मैं जो भी हूँ वो किसकी वजह से हूँ. So the factors मतलब मास मीडिया हो सकता है, मैं जो टीवी में देख रही हूँ कि सब वॉयलेंस देख रही हूँ, सब करप्शन देख रही हूँ, इसीलिए इवन आई ट्राई टू बिहेव द सेम वे. ओके देयर कैन बी गुड, बहुत लोग फिल्म देख के भी उसके जैसा रिएक्ट करने लगते हैं, कभी गलत कभी अच्छा. हाँ वो सब गलत नहीं होता, कभी अच्छा भी होता है कि ओके यहाँ पे सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ओके इवन आई हैव टू डू दैट नाउ. ओके ऐसा कोई इंस्पिरेशनल मूवी देखा, सो आई विल ट्राई टू डू दैट कि हाँ मेरी भी एक इच्छा थी, मैं ऐसे बनना चाहती थी लेकिन आई कुडंट डू दैट, बट आई हैव सीन द मूवी, आई थिंक आई शुड डू दैट. Yes, okay yes. So there are different factors that define your personality, how you will be in future. Aur aap seedhe you know koi rocket science nahi ho ki seedhe uth ke kuch acche aadmi banne chale. No, you learn through certain things, right? This is a process you have to go through ki aapki family, aapko family ka upbringing kaisa hai, aapka aapke friends kaun hai, aap kaun se friends ke sath reh rahe ho. Agar aapke sab friends drink kar rahe hai, alcohol consume kar rahe hai, smoke kar rahe hai, so eventually you gonna do that. Aap bhi waise karne ka koshish karoge. So eventually your personality is going to, you know, take a mold. Yeah, yeah. Right? So your personality is going to differ. So ऐसे different factors है, आपकी family matter करती है, आपकी आप कौन से background से आ रहे हो वो matter करता है, आप क्या TV में देख रहे हो वो matter करता है. तो यहाँ पे
बताया गया है, एक्चुअली पॉइंट्स में बताया गया है कि कौन कौन सी चीज ऐसे अफेक्ट करते हैं यहाँ की, यहाँ पे ना इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन आया वो मैं बताती हूँ आपको. सो यहाँ पे वेट हाँ हाँ सो यहाँ पे एक ब्रीफ में क्वेश्चन आता है ओके कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी. तो यहाँ पे टोटल 8 फैक्टर्स दिए गए हैं, 8 या 9 कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं. तो यहाँ पे ना पॉइंट डाउन किया गया है, लाइक फैमिली पूछा जा सकता है, स्कूल पूछा जा सकता है, पीयर ग्रुप, कल्चर, कोई भी पूछा जा सकता है. तो कैसे पूछ सकते हो आपको आप? अच्छा आप एक बार ऐसा मतलब एक बार ट्राई कीजिए आप, लाइक सॉरी कैसे सवाल आ सकता है मतलब. ये ना मैंने आपको आपको बोला ना कि एक्सप्लेन, अभी यहाँ पे 4 दिए हैं, अभी यहाँ पे 4 कौन से दिए हैं कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, कल्चर. तो अभी आपको इस 4 को ही बताना है. अब अगर आप 5th को बताओगे तो भी उसको मतलब नहीं है, जितना पूछा गया है उतना ही बताना है ओके. इसलिए आपको ये सब करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है ना, राइट. सो नाउ आई विल स्टार्ट विद इट. सो फर्स्ट इज हेरिडिटरी ओके. हेरिडिटरी हाँ सो वेट, हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब क्या कि योर ग्रैंड पेरेंट इज अ वेरी नाइस गाय, सो योर डैड बिकम्स द सेम एंड सो यू बिकम्स द सेम, राइट. जेनिटल लाइक मतलब अभी आपको मैं कैसे ओके मैं रीड करती हूँ आपको पता चलेगा. हाँ यस. सो एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी गेट्स शेप्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स विच ऑफन एक्ट इन कंजक्शंस. सम ऑफ द फैक्टर्स शेपिंग पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल आर एज फॉलोज ओके. सो फर्स्ट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी इम्पल्स ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एन इंडिविजुअल इनहेरिट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स. हेरिडिटी अफेक्ट्स द फिजिकल एंड मेंटल मेकअप ऑफ पर्सनैलिटी और पर्सन. फॉर एग्जाम्पल इनहेरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाइट, फिजिकल स्ट्रक्चर, कलर ऑफ आईज एक्सेट्रा. इट मे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कॉन्सेप्ट विच इन टर्न मे इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल. अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर आपको पूछा गया कि हेरिडिटी क्या है तो आपको ये बताना है कि हेरिडिटी ये है कि हेरिडिटी मतलब पेरेंट से आती है पहली तो, राइट. यू यस गॉट दैट फ्रॉम योर पेरेंट्स. तो पेरेंट्स से क्या मिलता है. सो देर आर टू टाइप्स, देर कैन बी फिजिकल एंड इट कैन बी मेंटल. फिजिकल में क्या आता है, अपियरेंस, आप कितने लंबे हो, आप कितने, आपके आईज के कलर क्या है ओके. आपका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपको आपके डैड से मिलेगा, आपके मॉम से मिलेगा, राइट. यू हैव योर हेरिडिटी. इट मे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सेल्फ कॉन्सेप्ट. सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब जो मेंटल मेंटल चीज में आपको बताया वो. सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या आता है, विच इन टर्न में इन्फ्लुएंस. सो सेल्फ कॉन्सेप्ट में अभी देखो कि आपकी अगर मॉम का एटीट्यूड बहुत हेल्पिंग एटीट्यूड है ओके. सो इवेंचुअली बाय वाइल ग्रोइंग अप यू विल सी दैट कि हाँ मेरा मॉम बहुत हेल्प करती है, बहुत सबको हेल्प करती है. तो इवेंचुअली आप भी वो करने लगोगे ओके. मतलब जानबूझ के या कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यू विल डू दैट ओके. सो वाई इज दिस, बिकॉज योर मॉम मॉम हैज सच एट्रीब्यूट्स, योर मॉम हैज सच थिंग्स, इसलिए वो आपके लिए आपको पास ऑन हो गए, राइट. तो इसकी वजह से आप अच्छे इंसान हो सकते हो. जैसे मैंने आपको बोला कि फैक्टर्स होते हैं ना. सो हेरिडिटी इम्पैक्ट, आपको कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझने के लिए दिक्कत है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई एम टीचिंग. सो सो अगेन आई विल रीड दिस पैराग्राफ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू, यू विल नो इट इवन मोर ओके. सो हेरिडिटी इम्पेल्स ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एन इंडिविजुअल इनहेरिटेंस फ्रॉम हिज पेरेंट्स और द इंडिविजुअल हैज इट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स ओके. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज हेरिडिटी अफेक्ट्स द फिजिकल एंड मेंटल मेकअप ऑफ पर्सन. थर्ड इज फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाइट, देन इज फिजिकल स्ट्रक्चर, आई कलर एक्सेट्रा.
इट मे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सेल्फ कॉन्सेप्ट विच इन टर्न मे इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल. समझ में आ रहा है आपको? ओके, नाउ एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स. अभी देखो, ये आपको मैं पहले पढ़ाती हूँ और बाद में एक्सप्लेन, सॉरी पहले रीड करती हूँ बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. ओके. एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स सच एज द पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रेनल्स एक्सेट्रा प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. ओवर सेक्रेशन ऑफ द अंडर सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाई वेरियस ग्लैंड्स में एडवर्सली अफेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल, एन ओवर सेक्रेशन ऑफ थायरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाई थायरॉइड ग्लैंड्स leads to nervous tension, irritability, restlessness and emotional instability etc, which may adversely affect the personality of an individual. Now yahan pe kya bataya gaya, pehle aapko pata hai ki endocrine glands kya hai, do you have any idea about it? No didi. Okay, so endocrine glands are organs in our body, ओके, इंटीरियर बॉडी, जो वेरियस इम्पल्सेस को मैनेज करते हैं. अभी ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स फैक्टर्स में क्यों डाले गए हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ. अभी आप सोच रहे हो कि पर्सनालिटी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या रिलेशन है. तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें हार्मोन्स छिपे हुए होते हैं. ओके, लाइक पिट्यूटरी, then there is thyroid. Thyroid ये आपको ना easily understandable होगा, क्योंकि thyroid common लोगों में भी होता है. Thyroid में क्या होता है, एक तो आदमी बहुत जरूरत से ज्यादा पतला हो जाता है, ओके, या फिर जरूरत से ज्यादा गेन वेट गेन करता है. ओके, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका और पर्सनालिटी से क्या ताल्लुक है. तो ताल्लुक है, ये लोग बताते हैं कि अगर ऐसे पर्सनालिटी, अगर वेरियस ग्लैंड्स एडवर्सली अफेक्ट करेंगे, एडवर्सली मतलब अगर ये जो मेरे थायराइड है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, जो भी है वो एडवर्सली अफेक्ट करेंगे, तो इंडिविजुअल को वो अफेक्ट हो सकता है. कैसे अफेक्ट होगा कि फॉर एन एग्जाम्पल, ओवर द सेक्रेशन, सेक्रेशन मतलब वो जो स्टो, अगर वो बढ़ गया, कम हो गया, सो ओवर द सेक्रेशन ऑफ थायराइड इन हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड्स लीड्स टू, अभी ये क्या होगा, अगर आप जरूरत से ज्यादा पतले हो गए या जरूरत से ज्यादा मोटे हो गए, आप क्या होगा, लीड्स टू टेंशन, राइट? Right, leads to tension, irritability, restlessness and emotional instability. और thyroid का वगैरह जो problem है ना, वो like 15 years तक चलता रहता है, 20 years तक चलता रहता है. ओके, ये मतलब कितना भी medication आप करो, ये फटाक से कम नहीं होता. ओके, तो ये आपके अगर लाइफ में, अगर आपके 15 इयर्स अगर इस प्रॉब्लम में से गए हैं आप, तो इवेंचुअली आपके पर्सनालिटी को अफेक्ट करने ही वाला है ना. आपके आप जैसा दूसरों के साथ, अगर आपको अगर आप ट्रेन में गए, किसी सोशल सेटिंग में गए, आप जरूरत से ज्यादा मोटे हो इसलिए आपको कोई इग्नोर कर रहा है, ये निग्लेक्ट कर रहा है, तो आप वैसे पर्सन नहीं हो. फिर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैपन टू चेंज योर पर्सनालिटी. व्हाई? बिकॉज सम एक्सटर्नल फैक्टर्स हैव लीड यू टू बिहेव इन अ सर्टन वे. ओके, वेल द कोर रीजन इज दैट योर ग्लैंड्स, योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव चेंज्ड, व्हिच हैव लीड यू टू सेक्रेशन ऑफ थायराइड एंड हेंस your personality has been changed. Okay, आपको समझ में आ रहा है? कोई problem है तो अभी बताओ. No problem. No problem. You sure about it? Yes, yes. Okay. Then family. Now everything is easy. Only this part was little bit complicated to understand. Now family. Family is one of the most important factors influencing personality of individual. Okay, the elements related to family
such as structure of family, socio-economic status of family, emotional, academic and cultural environment in family interacts between family members. Okay, child rearing practices followed by parents, etc., have significant effects on personality of an individual. Right? अभी देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि फैमिली ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है पर्सनालिटी को शेप करने के लिए. ओके, फैमिली से ही हम शुरू हो जाते हैं कैसे आदमी बनेंगे वो. ओके, सो कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करेंगे. सो देयर इज द एलिमेंट्स सच एज स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली. आपका फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, जॉइंट फैमिली में रह रही हो या इंडिविजुअल आपका न्यूक्लियर फैमिली है जहाँ पे सिर्फ मॉम डैडी है. तो आप अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, आप एडजस्टमेंट करने के लिए आप जैसे गॉर्डन ने बोला है कि पर्सनैलिटी का एडजस्टमेंट फैक्टर डिफर करता है. तो अभी आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो आप फटाक से कोई भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाओगे. क्यों? क्योंकि आप लोग, आपको बड़ी फैमिली में रहने का आदत है आपको. सो यू गेट एडजस्ट. व्हाइल सम पीपल स्टे इन अ न्यूक्लियर फैमिली, तो उन लोगों का कैसा है कि नहीं बहुत स्टबर्न है, कि नहीं मैं किसी से बात नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी. तो पर्सनैलिटी फैक्टर चेंज होगा ना. पर्सनैलिटी फैक्टर्स डज चेंज. तो लाइक जैसे कि अगर एक हम जैसे फ्लैट में रह रहे हैं, सिर्फ हम या और हमारे साथ एक दो जन अगर उनके साथ बहुत मतलब कुछ रिश्तेदार आ गए तो एडजस्टमेंट करने में वो थोड़ा उनको हेजिटेट. यस यस, तो ये आपको आपके पर्सनैलिटी को शेप करेगा आगे जाके. राइट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है. ओके, देन इमोशनल जैसे आपको मैंने बोला, इमोशनल में ये सब चीजें आती है कि आप कितने ज्यादा इमोशनल हो, आप कैसे हेल्पफुल हो, आपको लोगों को देख के डू यू फील पिटी ऑन देम. ओके, ये सब चीजें मैटर करती है. अगर आप फैमिली में, अगर आपने देखा कि फैमिली में सब लोग बहुत हेल्पफुल है, अगर कोई कोई बेगर आ गया हो तो किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ ना कुछ तो उसको देते हैं. राइट, सो यू ट्राई टू बी सेम काइंड ऑफ पर्सन व्हेन यू ग्रो अप. ओके, देन देयर इज एकेडमिक एंड कल्चरल एनवायरनमेंट इन फैमिली. अगर एकेडमिक में कैसा होता है कि अगर आपका भाई बहन को जो भी है वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है, या मेरे डैड ने भी बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है, मॉम ने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है, सो आपके आगे एक इंस्पिरेशन रहता है कि नहीं मेरे डैड ऐसे है, मेरा भाई ऐसा है, बहन ऐसी, सो इवन आई हैव टू डू दैट. सो वेर इट स्टार्ट, इट बिगन्स फ्रॉम योर फैमिली. राइट, सो देर आर इंटरेक्शन विद फैमिली. या दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, या फैमिली के साथ कौन सा रिलेशन एस्टेब्लिश करते हो. ओके, डू यू हैव अ फ्रेंडली रिलेशन विद योर डैड और डू ही रिसेम्बल्स एज योर डैड. ओके, सो इट डिफर्स. लाइक अगर आप बड़े हो जाओगे, आप किसी के डैड बनोगे, तो आप कैसा रिलेशन आपके सन के साथ एस्टेब्लिश करोगे. तो ये आपने आपके डैड के साथ जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया था उसको रिलेट करने की कोशिश करोगे कि मैं जब ऐसे करता था तो मेरा डैड ने मुझे ऐसे ऐसे करके रिएक्ट किया, तो इवेंचुअली मैं भी मेरे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा करके रिएक्ट करने वाला हूँ. ओके, सो प्लानिंग होता है जब ये इसका टाइम होता है तो प्लानिंग मतलब थिंकिंग आता है कि हमारे डैड ने ऐसा किया था. यस, वेरी ट्रू. सो सी योर पर्सनालिटी शेप्स अकॉर्डिंग टू दिस थिंग्स. राइट, your personality shapes according to how your family, I told you about this family structures or family different elements are there. सो फॉर एग्जाम्पल इन अ फैमिली हैविंग, अभी एक एग्जाम्पल भी दिया है टेक्स्ट बुक में अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर हैव टोल्ड यू. सो फॉर एग्जाम्पल इन अ फैमिली हैविंग वार्म इमोशनल एटमोसफियर, पेरेंट्स हैव हेल्दियर रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रंस, लव एंड रिस्पेक्ट शोन बाय पेरेंट्स टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन बूस्ट द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ चिल्ड्रन. These in turn positively affects the personality of children. On the contrary, overprotection, rejection, negligence, etc. shown by parents towards their children leads to low self-esteem and low self-confidence.
among children's which have adverse effects on personality of children. यहाँ पे दो बोला गया है. ओके, यहाँ पे बोला गया है कि पहले अगर फैमिली में आपके वार्म इमोशनल एटमोसफियर हो, वार्म इमोशनल मतलब यू नो सब एक एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हो, ओके, देन पेरेंट्स हैव हेल्दियर रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रन. हेल्दियर रिलेशनशिप मतलब क्या, डैड जाके कोने में नहीं खाना खाने बैठते, मॉम जाके कुछ किचन में खाना नहीं खाने बैठते, सब एक साथ खाने में बैठते हैं, एक साथ रहते हैं, सो दैट्स अ हेल्दियर एटमॉस्फियर, राइट. देन लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, लव एंड रिस्पेक्ट दोनों साइड से, ये मेरा बच्चा है इसीलिए मैं इसको सप्रेस नहीं करूंगी या इसको रिस्पेक्ट नहीं करूंगी, इसका भी रिस्पेक्ट है. आप क्या कहना चाहते हो, ओके, आपका भी रिस्पेक्ट है घर में, ओके. सो ये होने के बाद क्या होता है कि अगर आपका कोई ओपिनियन हो और फैमिली आपकी सुन रही है कि हाँ ये संजीव का ओपिनियन है, इसको हम देखते हैं क्या किया जा सकता है, तो आपका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगा. आपको पता चलेगा कि कोई तो मेरा सुनता है, राइट. सो आगे जाके जब आप स्कूल में बात करोगे तो आपको पता है कि हाँ मैं जो बोलता हूँ वो कोई तो सुनता है, मेरी फैमिली सुनती है, मतलब ये लोग भी सुनेंगे. आप एटलीस्ट बोलने के लिए ट्राई करोगे, राइट. सो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बूस्ट्स, वाइल नेगेटिवली भी अफेक्ट हो सकता है. यहाँ पे दिया है नेगेटिवली कैसे अफेक्ट हो सकता है, आपको ओवर प्रोटेक्शन किया गया है कि यहाँ पे नहीं जाने का, वहां पे नहीं जाने का, यहाँ भी रहने का, इससे आगे नहीं जाने का, सो यू गेट ओवर प्रोटेक्टेड, राइट. देन देर इज रिजेक्शन कि ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, देन देर इज निग्लिजेंस. निग्लिजेंस मतलब जो भी कर रहा है चलो जाने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ओके. निग्लिजेंस शोन बाय पेरेंट्स टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, तो ये क्या होता है, ये लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है कि कोई मेरा सुन नहीं रहा है, मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं लोग. तो जब क्लास में अगर कोई टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो आप क्या करोगे, आंसर ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं कुछ बोलता हूँ मेरे घर पे सब निग्लेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ भी निग्लेक्ट करने वाली है, ओके. सो ये आपके यू नो कॉन्शियस माइंड में नहीं लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में होता है ये आपके, ओके. ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है, तो ऐसे एडवर्सली इफेक्ट भी किया हो सकता है, ओके. तो ये फैमिली आपको सब समझ में आया? यस दीदी. कुछ प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम होगा तो हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे उसके बाद, वैसे हो जाएगा. अगर नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन कुछ, लेकिन प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बताओ. नहीं अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, अभी समझ रहा है मुझे, पूरा समझ रहा है ना. अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट के लिए मुझे रिकॉर्डिंग थ्रू करना है, सुनना पड़ेगा. हाँ, लेकिन आपको अगर मतलब क्वेश्चन पूछा जाए कि फैमिली, तो आप उसमें लिख पाओगे ना ये? ओके, सो शुड आई मूव अहेड? या तो आगे है पीयर ग्रुप. ओके, पीयर ग्रुप मतलब क्या है? पीयर ग्रुप, आई डोंट नो. Don't know. This is a very fancy word used. So peer group is what? Your classmates, your colleagues. Okay? Peer group मतलब आप और संदीप दोनों peer हो, right? एक age में से हो. Okay. जिसके साथ आप खेलते कूदते हो, मतलब जो आपके friends है, जिसके साथ आप share कर सकते हो, जो आपकी friends आपके आपके एज से ज्यादा भी हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, आपके एज से ज्यादा कम भी हो सकते हैं, लेकिन पीयर ग्रुप जो है वो आपके एज के ही बच्चे, सो एक साल बड़े एक साल छोटे चलेगा, चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, जिसके साथ आप यू नो कम्फर्टेबल फील करते हो एकदम, ओके. सो दैट इज योर पीयर ग्रुप, जिसके साथ आप एवरी डे स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, आते हो, घर पे जा खेलते हो कूदते हो, वो आपका पीयर ग्रुप है, ओके. सो ज्यादातर फैमिली से ज्यादा हम पीयर्स के साथ रहते हैं, राइट. सो यहाँ पे क्या दिया है, एक मिनट. ओके, सो आवाज आ रही है आपको? पीयर्स आर प्रीवेसिव एस्पेक्ट्स ऑफ आर सोशल लाइफ. पीयर्स सराउंड अस इन आर एवरीडे लाइफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड अंटिल ओल्ड एज. मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास रूम देन वर्क प्लेस और स्पोर्ट्स क्लब
एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट पियर ग्रुप. द पियर ग्रुप मे इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी इन अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव मैनर. For example, good habits such as studying regularly, developing healthy attitude towards one's own gender and the opposite gender, etc., may be developed by being in a good company of friends. Similarly, the unhealthy habits such as bunking lectures, then developing various addictions, showing aggressive tendencies and bullying, etc., may be developed by being in a bad company of friends. अभी आपको पता है मैंने ये टॉपिक शुरू करने से पहले ही आपको एक एग्जांपल दिया था. हाँ. अल्कोहल का. हाँ. ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है पहले कि पीयर्स जो है वो कौन है, तो वो हमारे एज ग्रुप के ही मेंबर्स है. तो कहाँ पे हो सकते हैं वो, पहले ये बताया गया. हाँ, स्पोर्ट्स क्लब में हो सकते हैं, क्लासरूम में हो सकते हैं, वर्क प्लेस में हो सकते हैं. और क्या बताया गया है कि जो पियर्स है ना वो हमारे चाइल्ड ग्रुप से, मतलब जब हम छोटे थे तब से ओल्ड होने तक कंटिन्यू हो सकती है. ओके, अगर मतलब मैं ओल्ड भी हो गई तो भी क्या प्रॉब्लम है, मेरे मेरे यू नो एज के सब लोग मेरे पास है तो वो पियर ग्रुप है. ओके, ओल्ड ग्रुप तक कंटिन्यू हो सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बताया गया है कि पियर ग्रुप अच्छी तरह से भी आपको अफेक्ट कर सकता है, नेगेटिव तरह से भी आपको अफेक्ट कर सकता है. ओके, तो अच्छी तरह से कैसे, कि डेवलपिंग गुड हैबिट्स सच एज स्टडिंग रेगुलरली. आपके फ्रेंड्स अगर स्टडी करने के लिए बैठे हो, आपके फ्रेंड्स का अगर एम्बिशन हो कि मुझे 90 क्रॉस करना ही है, तो आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि यार ये तो मेरा फ्रेंड ही है, ये तो मेरे जैसा ही है, तो मैं क्यों नहीं 90 क्रॉस कर सकता हूँ, मुझे भी करना है. राइट, इवन यू विल स्टार्ट स्टडिंग हार्ड. डेवलपिंग हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स वन ओन जेंडर. डेवलपिंग हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स वन ओन जेंडर मतलब क्या है कि आपको पता है कि मेरे सब हमारे ग्रुप में नहीं है. हाँ, लेकिन ये हमारे ग्रुप में भी फिलहाल नहीं चल रहे हैं. क्यों ऐसे? इसीलिए तो अभी इतना वो चल रहा है ना, मतलब अभी ये एक दूसरे का देख के हमारे ग्रुप में भी पढ़ाई नहीं चल रहा है. मतलब जितने भी इस साल 12th में है ना, कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, अगर ऐसा चल रहा है इस साल. लेकिन तो मेरा ऐसा है. हाँ, तो यहाँ पे और क्या बताया गया है, एक्सेट्रा, ये सब फैक्टर्स ना अफेक्ट कर सकते हैं. गुड फैक्टर्स अफेक्ट माय इन अ गुड वे. ओके, मे बी डेवलपिंग बाय बीइंग विद अ गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स. नाउ सिमिलरली द अनहेल्दी हैबिट्स सच एज, अभी अनहेल्दी हैबिट्स क्या होते हैं जो आपको अफेक्ट करेंगे, बैड एडवर्सली अफेक्ट करेंगे, सच एज बंकिंग लेक्चर्स. ओके, चलो मेरा फ्रेंड बंक कर रहा है मैं भी बंक कर रहा हूँ, ये लॉस हो गया ना अभी. राइट, यस. हाँ, सो डेवलपिंग वेरियस एडिक्शंस, लाइक मैंने आपको अल्कोहल का भी एग्जांपल दिया पहले, जैसे वो स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो इवेंचुअली वो मेरा पियर है, मैं क्या सोचूंगा कि हाँ ये मेरे साथ ही है, ये मेरे साथ ही है ना, तो इसने क्या, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, उसने बोला कि मुझे तो अच्छा लग रहा है तो चलो मैं भी वो करूँगा. यू स्टार्ट डेवलपिंग बैड हैबिट्स, राइट. Then there is showing aggressive tendencies. Aggressive tendencies मतलब आपने अगर देखा कि मेरा friend जो है fans लोग, हाँ, so आपने अगर देखा कि मेरा friend जो है तो वो अगर aggressively behave करता है, उसके parents के साथ वो aggressively बात करता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी वही इनहेक्ट करूँगा, घर जाके मैं भी मेरे parents के साथ वैसा ही बात करूँगा. ओके, एंड बुलिंग इज वॉट यू नो, टीजिंग समवन, या उसके उसके कलर से, उसके कास्ट से, उसके कपड़े से, कुछ भी चीज से उसको बुली कर रहा है. ओके, तो मेरा फ्रेंड ऐसा कर रहा है तो मैं मेरे फ्रेंड को भी सपोर्ट करूंगा, और मेरे और मैं एक यू नो बैड इंफ्लुएंस में आऊंगा. ओके, सो इट कैन नेगेटिवली इवन अफेक्ट. नाउ इज उसमें इसमें कुछ प्रॉब्लम है अभी पियर ग्रुप में? नो, नो, नो. एनीथिंग? नो.
मैंने अभी क्या बताया, अगर आप पेयर ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे आंसर करोगे? पेवर ये जो ग्रुप है उसमें सेम सेम मैं बताता हूँ दीदी। हाँ ग्रुप के सेम तरीके के मतलब जैसे कि फ्रेंड रहते हैं जैसे उसी उसी एज कैटेगरी के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 18 का हूँ तो मेरा फ्रेंड भी 18 का है, तो कब स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में हो सकते हैं या तो कॉलेज क्लास में हो में सकते हैं या तो वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। और इसका वैड रीजन नेगेटिव दीदी ना, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है जैसे मेरा फ्रेंड पढ़ाई कर रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं तुम देख भी के कर रही हो, नहीं का ये नहीं लाना है कि मेरा फ्रेंड पढ़ाई कर रहा है इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। ओके ओके ऐसा क्या, ठीक है तो मेरा फ्रेंड पढ़ाई कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड जैसे कुछ भी कर रहा है तो मैं देख के वो भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड कर रहा है। और नेगेटिव होगा जैसे मेरा फ्रेंड अल्कोहल ले रहा है, फिर उसके बाद मुझे मैं भी सोच रहा हूँ मेरा फ्रेंड ले रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा था मैं भी ले लेता हूँ मैं भी ले रहा हूँ, मेरा फ्रेंड ऐसा किसी के साथ बैड मतलब गलत व्यवहार कर रहा है तो मैं भी वैसा ही करने लगूंगा। बंकिंग, बंकिंग क्लासेस, बंकिंग क्लासेस या और क्या क्या है इसमें? और एग्रेसिव टेंडेंसीज पेरेंट्स के साथ, राइट? ये एग्रेसिवली बात कर रहा है इसलिए मैं भी घर जाके वही करूंगा। बुलिंग अदर्स, राइट? ये सब फैक्टर्स आप बोलोगे ना जो टेक्स्ट बुक में दिया है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, बोलिंग इसलिए अभी मैं रिकॉर्ड है ना, पॉइंट टू पॉइंट सुन लूंगा तो मुझे पूरा अच्छे से समझ आएगा। ओके अभी स्कूल में क्या है देखो, द स्कूल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी, द एलिमेंट्स रिलेटेड टू स्कूल लाइक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एकेडेमिक एक्टिविटीज एंड करिकुलर फैसिलिटीज प्रोवाइड्स बाय स्कूल टीचर्स, रैपोर्ट विद स्टूडेंट्स, school discipline and policies etc have a significant impact on the personality of students. Okay, abhi dekho, for an example, a creative, well qualified, experienced and well mannered teacher acts as a role model for his or students. Such teachers provide maximum opportunities for the optimum development of potential of their students. These in turn help students to develop their personality in a healthier manner. अब यहाँ पे क्या दिया गया है, स्कूल कैसे अफेक्ट करती है मेरी पर्सनैलिटी को, तो स्कूल में शो टीचर कैसे पढ़ाती है, ओके, स्कूल में डिसिप्लिन कैसा है, स्कूल में अभी डिसिप्लिन क्यों मैटर करेगा, क्योंकि अगर स्कूल से मैं अच्छा डिसिप्लिन सीख के आ रहा हूँ कि यही टाइम पे ले तुम्हारा स्कूल चालू होगा, ऐसे ही मैनर में आपको क्लोथिंग करनी है, आपको ऐसे ही शूज पहनने हैं, आपको मतलब यू नो यू यू ट्राई टू इनैक्ट डिसिप्लिन कि इसी टाइम में आपको रिसेस मिलेगा, इसी टाइम में खाना है, आप उसी टाइम में खाते हो, फिर आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको भी एक लाइफ में एक डिसिप्लिन मिलेगा, राइट? एक डिसिप्लिन मिलेगा, कैसे तरह से सबके साथ बात करते हैं, कैसे तरह से बैठते हैं, कैसे तरह से यू नो कोई अगर बात कर रहा हो तो चुपचाप सुनते हैं, राइट? दैट इज द डिसिप्लिन यू गेट फ्रॉम योर स्कूल. देन देर आर वेरियस फैसिलिटीज दैट स्कूल प्रोवाइड्स यू. देन रैपोर्ट विद स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट्स के साथ कैसे यू नो यू हैव द रैपोर्ट इज दैट यू हैव द इंटरेक्शन, वट काइंड ऑफ इंटरेक्शन डू यू शेयर, वट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू यू स्टे विद योर फ्रेंड्स और योर स्टूडेंट्स. ओके, फ्रेंड्स मतलब आप स्टूडेंट हो तो आपके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स मतलब आप टीचर हो तो आपके स्टूडेंट्स, आपके कैसे यू नो यू हैव एस्टैब्लिश्ड द रिलेशनशिप. देन स्कूल डिसिप्लिन एंड पॉलिसीज एक्सेट्रा हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अभी देखो एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि अ क्रिएटिव वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस एंड वेल मैनर्ड टीचर. अगर एक क्रिएटिव वेल क्वालिफाइड, ओके, वेल क्वालिफाइड इज व्हाट यू नो गुड एजुकेटेड,
एक्सपीरियंस एंड वेल मैनर्ड. एक्सपीरियंस मतलब उसके पास एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स के साथ कैसे बात किया जाता है, प्रिंसिपल के साथ कैसे बात किया जाता है. ओके एंड वेल मैनर्ड. वेल मैनर्ड इज वॉट यू नो शी हैज गुड मैनर्स इन हर. ओके ओके अगर ये होगा तो वो अपने बच्चों को भी वही पढ़ाएगी. राइट. सच टीचर्स, अभी अगर आपकी टीचर ऐसी है तो इवेंचुअली आप क्या करोगे. यू हैव द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी. राइट. यू हैव द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू डेवलप योर पोटेंशियल एज अ स्टूडेंट. राइट. अगर आपकी टीचर आपके साथ फ्रेंडली हो और आपके आपको बहुत क्रिएटिव हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कुछ समझा रही है आपको समझने के लिए, या उसके पास आपके साथ बात करने की अच्छा तरीका है, उसके पास अच्छे मैनर्स है, तो इवेंचुअली क्या होगे, आप भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होगे, आप भी थोड़ा शेयर कर पाओगे. राइट. सो इवेंचुअली आपको यू नो कभी किसी अभी आप टीचर के साथ अच्छे तरह से अगर रिलेशन बॉन्ड करते हो तो आप फ्यूचर आगे जाके आपके यू नो वर्क प्लेस में या वहां पे भी आप अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाओगे. राइट. यस. व्हाई? बिकॉज यू हैव एनेक्टेड दैट राइट फ्रॉम योर स्कूल. स्कूल से कहाँ से आया कि टीचर से आया, डिसिप्लिन से आया. लेकिन अभी यहाँ पे ये फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रहा. राइट. कि मेरी टीचर से मैंने ऐसे सुना, इसीलिए आई ट्राई टू डेवलप माई पोटेंशियल. ओके. दिस इन टर्न हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी इन हेल्दियर मैनर. ओके. ये क्या करता है कि इन टर्न मुझे एक हेल्दियर मैनर में बिहेव करने के लिए यू नो इट हेल्प्स मी इन सर्टेन वेज. यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस. यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट? Yeah. You sure about it? Yes. Okay. Moving on to mass media. So अभी mass media कैसे you know influence करते या affect करता है? दो चीज हो सकती है. Influence किया जा सकता है या affect भी किया होता है जा सकता है. Okay. So see, internet and other forms of mass media are now deeply integrated in almost everyone's daily lives. Mass media is a source of entertainment, formal education, socialization, etc. to many of us. Nowadays, majority of adolescents spend more and more time in front of TV, mobile and computer, which may affect their personality. For example, mass media may help an individual to have an updated knowledge of current affairs, etc., which in turn positively affect the development of individual's personality. On the other hand, an excessive addiction of using media may cause disconnection from the world, egocentrism, sleep deprivation, poor academic performance, insecurity, antisocial behaviors, loneliness, etc., which in turn adversely affects the development of an individual's personality. ये इतने simple language में दिया है कि मतलब आपको पता भी चल गया होगा कि इसमें क्या दिया है. राइट. सो अभी मैं आपको बताती हूँ मास मीडिया के बारे में क्या बताया गया है. कि इंटरनेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया आर नाउ डीपली इंटीग्रेटेड इन ऑलमोस्ट एवरीवन्स डेली लाइफ. अभी सबके डेली लाइफ में तो इंटरनेट और मास मीडिया, सबके पास मोबाइल्स है, कंप्यूटर्स है, टेलीविजन है, इंटरनेट का एक्सेस है सबके पास. राइट. तो इन लोगों ने बोला है कि मास मीडिया इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. राइट. अगर आपको बोर हो गया टीवी चालू करके बैठे तो इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, सोशलाइजेशन फॉर मैनी ऑफर्स. ओके. हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि अरे ये नहीं होगा तो क्या करेंगे हम. राइट. सो वी यूज दैट फॉर एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. नाउअडेज अभी मेजोरिटी ऑफ एडोलेंस स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन फ्रंट ऑफ टीवी, मोबाइल एंड कंप्यूटर्स, विच अफेक्ट देयर पर्सनालिटी. अगर आप ज्यादा घंटे टीवी पे, मोबाइल पे अगर यू नो बैठे हुए होंगे तो इवेंचुअली दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर पर्सनैलिटी. हाउ? सो देर आर टू वेज.
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूज देखते हो, आप डेली न्यूज वगैरह टीवी पे देखते हो, मोबाइल पे अपडेट चेक करते हो, सो यू हैव अ डेली अपडेट कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है. यहाँ पे इसने कुछ ये किया, यहाँ पे ये चल रहा है, कोविड चल रहा है, मुझे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, और क्या चल रहा है, बर्लिन में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ, जो भी है, कुछ एक्सप्लोजन हुआ, जो भी है, तो आपको वर्ल्ड के अपडेट्स मिल रहे हैं. यू ऑलवेज हैव टू बी अपडेटेड, राइट? तो आपको अपडेट्स मिल रहे हैं, अच्छा है, बट अभी नेगेटिवली कैसे अफेक्ट करता है ये? तो नेगेटिवली अगर आप एक्सेसिव यूज इसको कर रहे हो ना, एक्सेसिव मतलब क्या कि मैं 24 घंटों में से एटलीस्ट 10 घंटे तो मैं मोबाइल पे रहता हूँ, तो ये आपको नेगेटिवली अफेक्ट करने वाला है. अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए रहते हो तो ये नेगेटिव नहीं है, ये आप कोई लर्निंग प्रोसेस चल रही है आपकी, राइट? मैं पर तो अगर बारह आप कम से कम 12-13 घंटा रहता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ फोन में हम लोग कर तो यस लेते हैं. लेकिन आप वो लर्निंग प्रोसेस के लिए, अभी डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, ये लर्निंग प्रोसेस के लिए तो ये अच्छा यूज हो गया. लेकिन अगर आप 12 घंटे मोबाइल लेके कुछ टाइम पास कर रहे हो इंटरनेट के साथ, कुछ ऐसा मूवी देख रहे हो, ऐसा उसा कुछ, तो फिर क्या क्या फायदा है उसका? वो नेगेटिवली अफेक्ट करने वाला है. कैसे नेगेटिवली अफेक्ट करेगा? कि आपको स्लीप नहीं मिलेगी, पहले तो आप रात भर ये मोबाइल पे बैठे रहोगे, तो देन पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स. अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, मोबाइल पे रहोगे पूरे दिन, तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगा. देन एंटी सोशल बिहेवियर्स, मतलब एंटी सोशल बिहेवियर्स मतलब मैंने कुछ देखा है यहाँ पे कि यू नो आई ट्राई टू बी लोनली बेसिकली, कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मोबाइल दे दो बस हो गया. आई यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी मास मीडिया में कुछ प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं. समझ रहा है पूरा अच्छी तरह से? अभी लास्ट पॉइंट है इसमें, कल्चर, 5 पॉइंट सेवेंथ सेवेंथ पॉइंट. आपने बोला तो शुरू में 5 पॉइंट. 5 पॉइंट नहीं, मैंने बोला कि 5 पॉइंट भी पूछा जा सकता है कोई ब्रीफ में. अभी यहाँ पे दिया है 7 पॉइंट्स, आपको 5 पॉइंट भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने जो आपको अभी नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ के दिखाया था, सेवन तो पॉइंट के बाद क्या है दीदी? 7 पॉइंट के बाद दूसरा टॉपिक है, पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग पर्सनालिटी. ओके फाइन. ओके, तो ये 7 पॉइंट्स है, लेकिन आपके क्वेश्चन में सब 7 पॉइंट्स नहीं पूछते. कैसे पूछते हैं? कि कल्चरल फैक्टर्स बताओ, फैमिली बताओ, स्कूल बताओ, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताओ. तो आपको क्या करना है, हर एक का बताना है, चार का या पांच का, जो भी है. ओके, मैं 7 पॉइंट में मैं 5 लर्न कर लूँ ना? नहीं, 7 पॉइंट में सब लर्न करो, क्योंकि आपको कोई भी पूछा जा सकता है, राइट? अच्छा, ओके ओके. अगर आपको अब अभी देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड तो थोड़ा टफ है, तो अगर आपको वो ठीक तरह से नहीं समझ में, आप थोड़ा एटलीस्ट रफली कुछ तो करके रखो, मतलब आपको पूछा जाए तो. वैसे भी इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं, पढ़ाने थोड़ा के बाद थोड़ा ही है. हो जाता है ये बहुत डेली चीजें है जो हम हाँ, डेली लाइफ में हम लोग थिंक करते हैं कि हाँ चैप्टर का नाम ही पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी है ना. हाँ, तो मतलब इसमें कुछ ऐसा ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ रट्टोफाई करना होगा, ये क्या नहीं, है आई विल डू कॉन्सेप्ट, इट. ऐसा नहीं है. ये भी आपको मेरे एग्जाम्पल के बाद भी पता चल रहा होगा कि ये तो मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट? अगर ऑब्वियसली. किसी थियोरी वगैरह का आ गया ना, किसी ने थियोरी दे दिया, तो उसमें कैसा होता है, आपको वही लिखना होता है, क्योंकि वो थियोरी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. डेफिनेशन का जैसा होता है, डेफिनेशन है, वो चेंज नहीं कर सकते हो. लेकिन ये क्या है, ये नॉर्मल चीजें, मतलब जो जो हम भी सोच सकते हैं. ओके, तो कल्चर में क्या दिया है, देखो, कल्चरल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. Every culture has its own sets of values, beliefs, norms, etc., influencing thoughts, feelings, and behavior patterns of individual. For example, leadership qualities, listening skills, entrepreneurial skills, tendencies to cooperate with others, etc., may differ from culture to culture, and therefore people from different cultural backgrounds may have different personalities. ओके, तो कल्चर में क्या दिया, कल्चर मतलब क्या, पहले आपको वो तो पता है कि मैं कौन से कल्चर से आया हूँ.
तो आपका कल्चर आपको क्या सिखाता है, ओके आपका कल्चर आपको क्या सिखाता है उसके हिसाब, उसके उसके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी मोल्ड होगी, ओके तो ऐसे वर्ल्ड में ऐसे भी कल्चर्स हैं जिसको अभी आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई बट जिसको विमेन्स में राइट नहीं है कि विमेन ऐसा नहीं कर सकते, किसी के सामने बोल नहीं सकते, अगर कोई मर्द पर्सन या मेन खड़ा हो तो यू नो झुक के बात करना पड़ता है. सो दैट विमेन, सो दैट विमेन विल नेवर डेवलप. यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी आप अर्बन सिटी में देखोगे ये अच्छे, मतलब वैसे कहाँ पे होते हैं, इक्वल राइट्स होते हैं, वैल्यूज सिखाया जाता है, ओके अच्छे वैल्यूज बिलीव्स नॉर्म्स, ओके सो उसके हिसाब से आपके आपको इन्फ्लुएंस होता है. कौन सी तरह से इन्फ्लुएंस होता है? आपके थॉट प्रोसेसिंग को इन्फ्लुएंस होता है, आपके फीलिंग्स को एंड बिहेवियर पैटर्न्स. जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में लेसन के पढ़ा था ना, थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स, तीन चीज ओके इसको अफेक्ट होता है. तो कैसे अफेक्ट होता है? फॉर एग्जाम्पल योर लीडरशिप क्वालिटीज. अगर आपको आपके कल्चर ने ये बोला है कि आप फीमेल हो, आपको झुक के बात करना है, तो डू यू थिंक एवर दैट वुमेन विल हैव ए लीडरशिप क्वालिटी इन हर? नो, नेवर, बिकॉज शी हैज नेवर स्पोकन. कुछ गलत है, उल्टा सीधा है, फिर भी मैं झुक के बात करूंगी, सो दैट्स नॉट राइट, राइट? You can't do that. So she won't have that leadership qualities. Then there is listening skills. Then there is tendencies to cooperate with others. दूसरों के साथ मैं कैसा कोऑपरेट करता हूँ, ये मेरे कल्चर मुझे सिखाता है, राइट? सो एक्सेट्रा मे डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. अभी ये सब एक कल्चर का नहीं मैं बता रही हूँ, ये डिफर करेगा फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, ओके अगर अर्बन एरियाज में अगर यू नो पीपल आर सो मच एरोगेंट अबाउट देयर थॉट्स एंड सो मच यू नो मतलब बहुत ज्यादा कि चलो इसने ये बोला, मेरे हस्बैंड ने ये बोला, वाइफ ने ये बोला धड़ाक से, उसने वो बोला, सो यू नो दे नेवर एडजस्ट और दे वोंट कोऑपरेट विद ईच अदर्स, राइट? सो ऐसा भी हो सकता है, कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरे भी चीजें हैं. So that's what you learn from your culture. So it differs from culture to culture, and therefore people from different cultural backgrounds may have different personality. और इसीलिए जो मैंने आपके आपको जब factors बताए गए हैं, so इसीलिए हर एक culture का आदमी different has a different personality. You getting my point? समझ में आये? नहीं समझ में आया? बताओ. समझ रहे हैं. समझ रहा है आपको? Yes, yes, हाँ. Okay, तो अभी आज का खत्म हो गया. आज के पूरे लेक्चर में कुछ भी डाउट है आपको, कुछ पूछना है? No, no doubt. Sure about it? Yes, yes, 100%. Okay, अगर कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बता दो. अभी दो सब टॉपिक है इस लेसन का, फिर ये लेसन खत्म हो जाएगा. ओके okay. okay? पहला हो गया ना? हाँ सॉरी, पहला सब टॉपिक हो गया ना? तीन सब टॉपिक हो गई. हाँ, तो अभी कौन सा बाकी है? पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग पर्सनालिटी एंड मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी. लेकिन ये दोनों बड़े बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी पर्सपेक्टिव्स में हम लोगों को कार्ल यंग की थ्योरी है, अल्पोर की थ्योरी है और बिग फाइव पर्सनालिटी मॉडल है. हमें दो क्लास लगेगा ना? हाँ, दो क्लास तो लगेगा. हाँ, तुम्हारे